दोस्तों, आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो एक्टर्स कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि बॉलीवुड में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि कोई भी दो एक्टर एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं बॉलीवुड में कई एक्टर्स के बीच दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी पंगा लेने से पीछे नहीं रहते। वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबदबा तो सलमान खान का ही माना जाता है। सलमान अपने गुस्से के लिए बॉलीवुड में बहुत फेमस हैं। जो भी उनसे पंगा लेता है वो उसके करियर को बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। इसी का एक उदाहरण है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ लोगों द्वारा बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जिनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जो ज्यादातर कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं, पर अगर बात सही और गलत की हो तो किसी भी कीमत पर गलत का साथ नहीं देते, और इसके लिए वो कई बार बड़े बड़े स्टार्स से भी भिड़ चुके हैं। बात उन दिनों की है जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। यहाँ तक कि इन रिश्तों में खटास आने के बाद ऐश्वर्या राय ने सलमान से अपना रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लिया था। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में काफी वक्त से दरार चल रही थी। सलमान को इस बात का एहसास था कि ऐश्वर्या के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को टाइम देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच विवेक ओबराय उनकी टूटी हुई लव स्टोरी के बीच में कूद पड़े। ऐश्वर्या राय जहां सलमान खान से परेशान हो चुकी थी, वहीं विवेक ओबराय ऐश्वर्या का सहारा बने। लेकिन इसी दौरान विवेक कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे जिसके कारण उनका करियर ही बर्बाद हो गया। लेकिन फिर विवेक ओबराय को फिल्म ओमकारा में अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला। सलमान खान हर किसी को विवेक ओबराय को फिल्म में काम देने से रोक रहे थे। सलमान ने इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से भी कहा था कि वो इस फिल्म में विवेक ओबराय को ना ले, लेकिन विशाल भारद्वाज नहीं माने। फिर उन्होंने अजय देवगन से कहा कि तुम विशाल से कहो कि इस फिल्म में या तो विवेक काम करेगा या फिर मैं। लेकिन अजय ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जो सही का साथ देते हैं। इसी वाकये के बाद अजय देवगन और सलमान में काफी दिनों तक मनमुटाव चलता रहा। तो दोस्तों, सलमान खान और अजय देवगन में आपको कौन सा अभिनेता अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।